जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या अनाउंसमेंट है दोस्तों, सारी जानकारी हम यहाँ पे टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत दोस्तों आप लोगों को देने वाले हैं। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो राशन कार्ड धारक हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना चलाई गई है। तो सारी योजना की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या क्या आपकी कागजी प्रक्रिया होगी, कहाँ पे आपको आवेदन करना होगा जिससे कि दोस्तों आपको योजना का लाभ मिले सबसे पहले। और देखिए उसके बाद में हम बात करेंगे, हम बिजली बिल माफ़ कैसे कराएं। आप काफ़ी लोगों का बिजली बिल जो है माफ़ हो चुका है, आपका अभी तक नहीं हुआ है। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे जरा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों कंप्लीट स्टेप, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं कर देना है। यदि एक भी स्टेप आप मिस कर दोगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो है किसान भाई जो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे कर्जा माफ़ हो चुका है दोस्तों, और काफ़ी लोगों का नहीं हुआ है। किसी किसी राज्य में अभी किसी का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं कि कैसे आप अपना कर्जा माफ़ कराएंगे। और दोस्तों बाकी योजनाएँ काफ़ी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए एक एक करके योजनाओं को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राशन कार्ड धारकों को दोस्तों, जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको यहाँ सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। तो क्या आपकी कागजी प्रक्रिया होगी और कितने समय को लिए आपको ये 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कागजी प्रक्रिया की, और उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कहाँ पर आपको आवेदन करना है। तो देखिए कागजी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका राशन कार्ड है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए आपके पास जो आधार कार्ड होना चाहिए, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप कन्फर्म्ड है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो ही डॉक्यूमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, एक आपका देखिए राशन कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड। इसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास में जो है राशन कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए राशन कार्ड और अपना आधार कार्ड, इसके बाद में देखिए वोटर कार्ड यदि आपके पास है तो वोटर कार्ड भी ले लें। और देखिए यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसी फाइल में लगा लेने जिस फाइल में आपको इन सभी के जेरोक्स लगाने हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या करना है आपको, ये सभी लेने के बाद आप जो भी जो आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं इन 5 लाख रुपये से, उसका एक प्रारूप बना लेना है कि कहाँ पर आप मशीनरी लगाएंगे, कहाँ पर आप प्लांट लगाएंगे। जो भी आप छोटा या बड़ा धंधा जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हथकरघा उद्योग हो या वो कोई भी उद्योग हो, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका एक प्रारूप बना लेना है दोस्तों, एक इंडेक्स बना देना है जिसमें सारी जानकारी आपको लिख देनी है। दोस्तों ये सब फाइल क्रिएट करने के बाद आपको जाना है अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे दोस्तों, और CSC सेंटर पे जाके यहाँ पे आवेदन कर देना है। CSC सेंटर पे जाके दोस्तों इन सभी के फोटोग्राफ जीरोक्स जो भी आपने कराए हैं इनको स्कैन करा के दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। और देखिए कुछ ही दिनों में आपका जो है लोन सेंक्शन हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड जो मेथड है इस लोन के लिए वो आपका क्या है, वो कहाँ आवेदन करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने तहसील में जाके अपने पटवारी या लेखपाल, जिसको पटवारी बोलते हैं दोस्तों उसी को लेखपाल बोलते हैं, तो इन दोनों में से किसी के भी पास, दोनों एक ही नाम है, सिर्फ जगहों का फेर है दोस्तों। कहीं कहीं पटवारी को लेखपाल बोल देते हैं और कहीं कहीं लेखपाल को पटवारी बोल देते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इनके पास जाके आप ये लोन सेंक्शन करा सकते हैं। यहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए और आपने सभी जो जेरोक्स कराए हैं, जो फोटोकॉपी कराई हैं, इनको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आपके लोन सेंक्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है राशन कार्ड धारकों को दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये लोन सेंक्शन होके आ जाएगा, और जिससे आप फ़ायदा उठा पाएंगे सबसे पहले। अब देखिए क्या करना है आपको, जिन भी लोगों को इस योजना का लाभ चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं, जिससे कि दोस्तों आपको योजना का लाभ मिल सके, कन्फर्म हो सके कि हाँ आपको योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज ही हम आपकी लिस्ट बनाकर भेज देंगे, जो लोग भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में नाम देंगे। दोस्तों बता दें आपकी जानकारी के लिए, यहाँ डेली के डेली लिस्ट बनाकर जो लोग भी अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं, अपने राज्य अपने जिले का नाम दोस्तों, अपनी योजना का नाम, क्योंकि हम दोस्तों काफ़ी कई योजना बनाते हैं दोस्तों, डेली यहाँ पर कई योजनाएँ देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी योजना का नाम हमें देना है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके परमिशन देनी है कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़वाना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपना ब्यौरा देते हैं, तो उनका हम डेली
डेली के डेली दोस्तों कमेंट्स को पिक करके आगे उनकी जानकारी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनको योजनाओं का लाभ मिलता है सबसे पहले। जिन लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल चुका है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब देखिए बात करेंगे हम किसान भाइयों की दोस्तों, कि किन किसानों का कर्जा माफ़ हो गया और किन का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर अपना कम्प्लीट आवेदन किया था, जिन स्टेप से जो स्टेप हमने यहाँ पर बताए थे, उनका यहाँ पर देखिए कर्जा माफ़ हो गया है। और जिन लोगों ने आवेदन में दोस्तों गड़बड़ी कर दी है, उनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया है। तो देखिए आपको किस तरह से, यदि आपका कर्जा माफ़ अभी तक नहीं हुआ है तो आपको किस तरह से कर्जा माफ़ कराना है, और जिनका भी कर्जा माफ़ हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, जो बाकी लोग जो है मोटिवेट हो सकें और वो भी अपना कर्जा माफ़ करा सकें दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्या कागजी प्रक्रिया है कर्जा माफ़ के लिए, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, तो इन तीनों में से कोई भी हो, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो खेत होता है उसकी खतौनी, जो भी आपके पास ज़मीन है उसकी खतौनी होनी चाहिए आपके पास, कि आपके पास कितनी ज़मीन है। तो देखिए यहाँ जिनके पास भी 5 एकड़ तक ज़मीन है उनका कंप्लीट कर्जा माफ़ हो रहा है, जिनके पास 5 एकड़ से थोड़ी ऊपर है उनके यहाँ पे 2 लाख रुपये माफ़ हो रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जो बहुत ज़्यादा बड़े किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनका यहाँ पर कर्जा माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर दें, ठीक है। इतना सारा करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम दें और वीडियो को लाइक करके परमिशन दें दोस्तों, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। अब देखिए CSC सेंटर पे जाके दोस्तों आपको जो मैंने आधार कार्ड बताया है, वोटर कार्ड बताया है और आपकी खतौनी बताई है, उसके साथ में अपना एक फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर वहाँ CSC सेंटर पे ही आवेदन कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आएगी उस लिस्ट में दोस्तों आपके यहाँ पे कर्जा माफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी सिंपल प्रक्रिया है, आप इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर दें। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बिजली का बिल जो माफ़ हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जितना भी आपके पास बिजली का बिल है, अपना आधार कार्ड, अपना आय प्रमाण पत्र दोस्तों, क्योंकि आय के हिसाब से जो है बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, तो अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट, और आप अपना बिजली का बिल लेकर यहाँ पे CSC सेंटर पे जाके दोस्तों काफ़ी सुविधाएं CSC सेंटर से ही आपको मिल रही हैं, क्योंकि जनसेवा केंद्र दोस्तों खोले ही इसीलिए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसेवा केंद्र जो खुलवाए थे वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के खुलवाए थे, कि जो भी नई नई योजनाएं यहाँ पे लॉन्च की जाएंगी उनका पब्लिक जो है फ़ायदा उठा सके, ठीक है। बैंक में अगर सारी योजनाएं ये बैंक में मिलने लग जाएं तो बैंक वालों के पास दोस्तों ज़रा सा भी समय नहीं रहेगा, उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको अपने नज़दीकी सेंटर में, हर शहर में दोस्तों, हर गांव में ये CSC सेंटर खुलवाए गए हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर खुलवाए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं वहां जाके बिजली बिल माफ़ योजना में आपको आवेदन कर देना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर देना है, जिससे कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा दें, और वीडियो को लाइक करके ये परमिशन देनी है। दोस्तों आपको जो भी योजना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दीजिए। अब देखिए बात करेंगे 2-3 जो और अच्छी योजनाएँ हैं जिनका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, यदि आपको नहीं मिला है तो हमारी कोशिशें यही रहती हैं कि सबसे पहले उन चीज़ों का फ़ायदा अपने परमानेंट व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को दिलवाया जाए, जो कि हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम दे रहे हैं, वीडियो को लाइक करके परमिशन दे रहे हैं। तो देखिए आगे बात करूंगा मैं स्कूटी योजनाओं की। दोस्तों काफ़ी महिलाओं को यहाँ कमेंट बॉक्स में बताती हैं हमें, हम उन कमेंट्स को देखते हैं और जो नहीं मिले उनके कमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, और जिनके लिए मिल गए हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए जो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जिनको स्कूटी मिल गई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए क्या करना है, जिनको स्कूटी नहीं मिली है दोस्तों तो उनके लिए क्या कंडीशन, क्या शर्तें हैं, ये भी हम यहाँ पे आपको बता दें। दोस्तों जो भी लड़कियाँ यहाँ पे 18 वर्ष से ऊपर हैं और पढ़ाई कर रही हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, लेकिन उनकी उम्र जो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, मान लीजिए 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा जो भी आप कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए उम्र 18 साल होनी चाहिए। लेकिन कई लड़कियों के यहाँ पे ऐसे कमेंट्स आए हैं हमारे पास कि उनकी उम्र जो 18 साल भी नहीं हुई है और उनको दोस्तों स्कूटी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों सभी यहाँ पे जो भी लड़कियाँ हैं सभी यहाँ पे अपना नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, यदि आपकी बहन, आपकी कोई बेटी, कोई कहीं पर पढ़ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ, जिससे कि हम दोस्तों उनको स्कूटी योजना का दोस्तों लाभ दिलवा सकें। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों, कि आपको घर से अब जो स्कूल की दूरी है वो मिनिमम 5 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए, तभी आपको स्कूटी योजना का दोस्तों लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम देना है दोस्तों, सिर्फ अपना नाम,
अपने स्कूल का नाम, जिससे कि आपका डाटा यहाँ पे चेक किया जा सके और आपकी डिस्टेंस पता लगाई जा सके, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पे स्कूटी मिल सके। अब देखिए यहाँ पे एक दोस्तों योजना और चलाई गई है, बेरोजगारी भत्ता। जो भी हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, उनको जॉब नहीं मिली है, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों सरकार ने उनको ध्यान में रखते हुए एक योजना निकाली है, बेरोजगारी भत्ता। तो देखिए इसमें भी आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए, इन लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दोस्तों मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों तो इसमें ज़रूरी हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र और लगा देना है। और दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने जो भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जो भी आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है और लास्ट डिग्री है, उसकी क्या करनी है दोस्तों, फोटोकॉपी करा देनी है और अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके बेरोजगारी भत्ता योजना में आपको आवेदन करा देना है। यदि अभी तक नहीं कराया है तो, यदि आप करा चुके हैं तो बहुत जल्द आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम देना है बेरोजगारी भत्ता वालों को, और देखिए आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही दोस्तों आपके यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। क्योंकि किन्हीं लोगों को 3500 रुपये मिल रहा है तो किन्हीं को यहाँ 6000 रुपये मिल रहा है, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। और दोस्तों ये सारी योजनाएं बहुत जल्द यहाँ पे काफ़ी योजनाएं लागू भी हो चुकी हैं, लोगों को लाभ मिल चुका है और काफ़ी योजनाएं बहुत जल्द लागू होने वाली हैं। तो यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर दें, मैं यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि सरकार दोस्तों जो आवेदन करते हैं उन्हीं पर ध्यान देती है, वो एक एक लोग को यहाँ पे एक एक व्यक्ति को नहीं देखती है। तो दोस्तों जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है सबसे पहले आवेदन करें, बाद में कुछ और करें। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी योजना का नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम, जो भी अपने अलग अलग योजनाओं के लिए बताया है वो चीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें। दोस्तों अपने अंगूठे से लाइक करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको योजना का लाभ मिलेगा सबसे पहले। दोस्तों नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ें जरूर लिखें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है। यदि आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।